हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे, विच इज पार्ट ऑफ अकेडमी। एंड दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने फटाफट इंग्लिश का जो सेशन लेके आया हूँ, इस सेशन में हम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेपोजिशन। तो हम प्रेपोजिशन के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो पुट योर सिग्नेचर डैश ब्लू इंक, चार ऑप्शन आप लोगों के पास में है और आप लोगों को देखना है कि कौन से प्रेपोजिशन का प्रयोग यहाँ पे आप करोगे, ठीक है? चलो, है ना। तो पहले मैं एक एक करके इन चारों प्रेपोजिशन के बारे में बात कर लेता हूँ दोस्तों, है ना। तो ध्यान रखो बच्चों कि बाय जो होता है, बाय प्रेपोजिशन, ये आपके किसी एजेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है, ठीक है? एजेंट, है ना। बाय का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? एजेंट के लिए, है ना, कि कौन व्यक्ति जो है किसी एक्शन को कर रहा है सब आपके, ठीक है। जैसे कि मैं सेंटेंस लिखूं, स्नैक वॉज किल्ड बाय राम, ठीक है। तो किसने मारा? राम ने मारा, ठीक है। तो ये राम जो है एजेंट है, इसने ये काम किया, ठीक है। तो एजेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम बाय प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अगर मान लो हम किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, मतलब यहाँ पे जब एजेंट का कॉन्टेक्स्ट आया तो आपने बाय प्रेपोजिशन यूज किया, ठीक है। लेकिन किल्ड, अगर सेम सेंटेंस अगर है ना, अगर मैं लिखता, ठीक है, इस सेम सेंटेंस को लिखा जाता और मैंने लिखा होता आपके कोई इंस्ट्रूमेंट, तो मैं विद प्रेपोजिशन लगाता, विद एन एक्स, ठीक है। सेम सेंटेंस को लिखता तो ये विद एन एक्स, तो एक्स आपके क्या हो गया? एक इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो इंस्ट्रूमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम किसका प्रयोग करेंगे? इंस्ट्रूमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम विद प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे, जी, है ना। सो बाय और विद के प्रयोग आप लोगों को समझ आए होंगे। बाय का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? बाय का प्रयोग हम एक एजेंट के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं और विद का प्रयोग हम इंस्ट्रूमेंट के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, ना, ठीक है। अब इसके अलावा दो प्रेपोजिशन और बचे हैं वहां पे, एक तो बचा हुआ है इन और दूसरा बचा हुआ है थ्रू, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। इन जो है वो आपके एक मीडियम को डिनोट करने के लिए आता है, ठीक है, और थ्रू जो है वो बेसिकली किसी माध्यम में से होकर गुजरने के कॉन्टेक्स्ट में आता है, ठीक है। किसी माध्यम में से होकर गुजरना, जैसे कि मान लो ये मीडियम है, इसमें से होकर के गुजरना, फ्रॉम वन साइड टू अनादर, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? फ्रॉम वन साइड टू अनादर के कॉन्टेक्स्ट में हम इसका प्रयोग करते हैं, किसका? थ्रू का, ठीक है। इन जो है वो मीडियम के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। मीडियम के कॉन्टेक्स्ट में कैसे, ये समझाता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि मैं सेंटेंस लिखूँ आप लोगों के सामने, ही राइट्स डैश हिंदी, तो उसका लिखने का मीडियम क्या है? किस लैंग्वेज में वो लिखता है? वो हिंदी लैंग्वेज में लिखता है। तो हिंदी वो मीडियम है जिसके अंदर वो लिखता है, हमने इन प्रेपोजिशन का प्रयोग करना, ही राइट्स इन हिंदी, ही राइट्स इन इंग्लिश, ठीक है। तो मीडियम के कॉन्टेक्स्ट में हम जो है बेसिकली इन प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ना। अच्छा, अब हम लौटते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे पुट योर सिग्नेचर डैश ब्लू इंक, तो ये ब्लू इंक क्या है बच्चों, आप मुझे बताओ, ये कोई एजेंट है, ये कोई इंस्ट्रूमेंट है? इंक आपके इंस्ट्रूमेंट नहीं होते ना, इंस्ट्रूमेंट औजार होता है, ठीक है। हाँ, ये कोई एजेंट है? एजेंट भी नहीं है सब आपके। थ्रू ये किसी माध्यम में से होकर गुजर रही है, ठीक है? ब्लू इंक नहीं, ऐसा कोई माध्यम नहीं है जिसमें से कोई होकर के गुजर रही हो, ना। असल में ये ब्लू इंक जो है ना, वो एक मीडियम है, जिसकी मदद से यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जहाँ यहाँ पे एक सिग्नेचर किया जा रहा है, ना। तो ब्लू इंक वो मीडियम है जिसकी सहायता से सिग्नेचर किया जा रहा है, ना। तो हमें यहाँ पे करना क्या होगा? पुट योर सिग्नेचर इन ब्लू इंक, इन प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो जिन्होंने भी इन किया है उनका सबका सही हो गया, जिन्होंने भी इन सोचा है उन सबका सही हो गया, ठीक है। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा वोकैब का बैच आ रहा है अन अकेडमी प्लस पे, है ना। तो आप लोग जो है इसे ज्वाइन करें, बहुत इंपॉर्टेंट बैच है ये, केवल 1000 रुपये का अमाउंट है, ठीक है, और 1080 रुपये अगर आप CGL और CHSL की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बैच आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना। सो आज ही इस बैच को ज्वाइन करें दोस्तों, ठीक है। ट्रिक्स के साथ में कैसे ज्वाइन करना है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, आपको बेसिकली अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद में SSC कैटेगरी को आप लोगों को चूज़ करना है, ठीक है। जैसे SSC कैटेगरी को चूज़ करोगे आप, जैसे आपने SSC एग्जाम की कैटेगरी चूज़ की, उसके बाद में आपको गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ना। जब आप गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करोगे दोस्तों, तो आप ये पाओगे कि आपके पास में अलग अलग मॉड्यूल्स नज़र आ रहे हैं। ये देखो,
ये एक महीने का मॉड्यूल है आप लोगों के सामने, है ना, ये एक महीने का मॉड्यूल है, ये 1200 रुपए का है, ये 12 महीने का मॉड्यूल है, ये 6000 रुपए का ना, तो ये एक महीने का कितने का है, ये देखो 1200 रुपए का है, ठीक है। तो अब आपको चूंकि एक महीने का मॉड्यूल अगर खरीदना है तो आप क्या करेंगे, आप 1200 रुपए सीधा पे कर सकते हो, लेकिन ये और भी आपको सस्ता पड़ जाता है अगर आप एक रेफरल कोड का इस्तेमाल करते हो। तो रेफरल कोड का प्रयोग करना जरूरी है, इससे पता चलता है कि आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है और ये भी पता चल रहा है कि आपने एनरोल किया है मेरे कोड के थ्रू, यानी कि आप मेरे कोर्स में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो ये रेफरल कोड का प्रयोग करना, ठीक है। जैसे ही आप ये रेफरल कोड लगाओगे आपका अमाउंट कम हो जाएगा, देखो 6000 से 5400 में और 1200 रुपए से 1080 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में आप क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, यूपीआई के थ्रू जो है पेमेंट करके आप जो है इस कोर्स में अपने आप को एनरोल करा सकते हो ना। बच्चों ये मेरा टेलीग्राम है, इससे इस पर ज्वाइन होना मत भूलना, क्योंकि वो क्या आपकी पीडीएफ पोल्स वगैरह हम सब इसी के ऊपर डालते हैं। और मेरा एक फेसबुक पे ग्रुप पे भी है, इससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ में। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।